अब हम बहुत सारा कुछ सुन रहे हैं हाइड्रा फेशियल के बारे में अब ये कैसे डिफरेंट है बाकी जो रूटीन फेशियल्स आप लेते हो सो क्लेंजिंग डीप क्लेंजिंग हाइड्रेशन ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन पैक फॉर ऑल द स्किन टाइप्स सो ना विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो सो हाउ हाइड्रा फेशियल इज डिफरेंट फ्राम अदर रूटीन फेशियल्स अब हम लोग क्या देखते हैं जब आप रूटीन फेशियल्स लेते हैं तो दैट इम्प्रूवस योर लिटल

जनली या किसी भी पार्टी से पहले इसको हाइड्रा फेशियल को आप ले सकते हैं एंड यू फील वेरी नाइस एंड नरिश्ड इसमें हम लोग सेवन स्टेप्स कवर करते हैं जो कि हम साथ के साथ आपको वीडियो में दिखाने भी वाले हैं सो इन द फर्स्ट स्टेप वी एक्सफोलिएट योर स्किन वेरी नाइसली जो कि आपके सेल्स uh, के टर्न को एकदम से बढ़ा देता है और एकदम से पोर्स को क्लीन कर देता है स्टेप टू जब हम इसमें एक बार हमने एक्सफोलिएशन कर लिया है उसके बाद हमारे पास ए एच ए बी एच ए सिरम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप वो हम लोग उस टाइम पे इन्फ्यूज़ करते हैं स्किन के अंदर तो दे हेल्प यू यू नो जस्ट जितना भी डस्ट और पॉल्यूशन होता है डीप पोर्स के अंदर वो सारा इनके साथ एंड अपर वाली लेयर्स पे आ जाता है सो इट रियली थ्री में डर्मा प्लेनिंग होती है जितना भी अब हमने डीप पोर्स क्लीन किए थे या जितना भी सारा डेड सेल्स ऊपर इकट्ठे हो गए थे अब वो डर्मा प्लेनिंग उसको सारा सरफेस के ऊपर से रिमूव कर देता है और स्किन की उस टाइम पे एब्जॉर्बशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है नाउ द स्किन इज़ एक्सपोज टू हाइड्रेशन एंटी ऑक्सीडेंट सीरम्स। उस टाइम पर जब हम एक बार आपकी क्लेंजिंग हो गई है एब्जॉर्बशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इन सीरम्स की पेनिट्रेशन बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाती है सो दे गो डीप टू द लेवल आपके डीपर लेयर्स में जाके ये सिरम्स काम करते हैं और ग्लो बहुत लंबा टाइम तक रहता है स्टेप फाइव में हम लोग माइक्रो करंट्स आर गिवन अराउंड द आईज और कॉन्टोअर्स ऑफ द चीक्स को मेनटेन करने के लिए अब इसमें जब हम माइक्रो करंट्स देते हैं स्किन के ऊपर सो दे हेल्प यू टू मिनिमाइज द पोर्स एंड ऑल्सो टाइटनिंग ऑफ द स्किन बहुत अच्छी टाइटनिंग हो जाती है स्किन की अब हमारा जो सिक्स स्टेप होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है जो कि पूरे इंटायर फेस पे किया जाता है इवन जॉ लाइन पर बहुत अच्छे से टारगेट किया जाता है तो आपकी एक अच्छे से बहुत अच्छी स्किन लिफ्टिंग मिल जाती है नाउ द लास्ट स्टेप इज योर फेस इज एक्सपोज टू एल ई डी लाइट जो कि आपकी स्किन टाइप के कस्टमाइज uh, होती है हमें देखना होता है कि स्किन टाइप में किस तरह की लाइट यूज़ करनी है तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ब्राइटर और हेल्थियर करने में हेल्प करती है